अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने पहले आप लोगों को जरा लास्ट टाइम जो चीज़ें थी पहले वो कवर करवाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स के बेटा जो प्रीवियस आप लोगों की चीज़ें थी मैं आप लोगों से वो पूछता जाऊंगा। और मुझे बेटा बेटा आप लोग ये बताइए कि हमने जो आप लोगों से क्या कहते हैं, अगर हम आंसर की बात कर रहे हैं तो मेरे बच्चों हम लोगों ने कौन सी एक्सरसाइज शुरू करना है, ज़रा सबसे पहले मुझे ये बताओ हमने किस एक्सरसाइज से बेटा पढ़ाना शुरू करना है, जरा सारे बच्चे पहले ये बताओ बेटा सबके सब। शाबाश। अरे नहीं, अरे जहाबिया मेरा बच्चा मुझे बताया कि 5 तक तो मैं करवा चुका हूँ, मुझे आंसर्स कहाँ से बताने हैं जहाबिया बेटा? एक्सरसाइज 1 से ही बताते हुए आना है या कहाँ से बताने हैं, या फिर मैंने बीच से मैंने बस ठीक है ठीक है ठीक है, 1 मिनट रुको बेटा। मतलब मैंने 4 तक बता दिए थे? अच्छा इसका तो मैंने बताया था कि इसके आंसर ये होंगे, ठीक है। अच्छा उसके अलावा नहीं, दादी ने नहीं बता दिया मेरा बच्चा, मैंने इसके 1 2 4 करवाए थे। देखो इसका मैंने ये बताना है बेटा, ये देखो याद नहीं क्या, मैंने 4 करवाए थे मेरा बच्चा, मैंने सारे क्या करवाए थे बेटा, ठीक है। मतलब मैंने बेसिकली यहाँ से करवाना है, एक्सरसाइज 2 से करवाऊंगा बेटा। स्टार्टिंग के हमने 4 करवा दी थी, जरा सारे के सारे बच्चे एक्टिव रहो, मुझे आंसर चाहिए सब बच्चों से। हाँ भाई, मैनी विल गो टू अ मिस्टेक टू आस्क फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर विशेज। हाँ भाई मेरे बच्चों कौन सा आंसर है इसका, 5 वाले का आंसर बताओ सारे बच्चे। शाबाश सब बच्चे मुझे आंसर दो बेटा इस चीज का, क्या आंसर है इसका बताइए। इसका आंसर है बेटा, एक बात बताओ, खुद सोचो जरा, 1 मिनट रुको। जो बच्चे बोल रहे हैं ए, बेटा ए वाले का मतलब है पर्सन हु लिव्स अलोन। तो बेटा एक बंदा अगर अकेला जाता है तो क्यों जा रहे हैं उससे? पहली बात तो ये है कि किसी के पास इस चीज के लिए जाना अजीब बेवकूफी है, इंसान खुद दुआ मांगे अल्लाह ताला से, कौन सी हरकत है इसमें, ठीक है। बेटा इसका आंसर सी है। और अगर जो बच्चा ए बोल रहा है पर्सन हु लिव्स अलोन, तो बेटा इसका तुक क्या बनता है? कोई बंदा अगर अकेले रहता है तो उसका आपकी ख्वाहिशा से क्या ताल्लुक, ठीक है। एग्जैक्टली, पर्सन विद स्पिरिचुअल पावर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है, द सेलर्स ऑफ सिन यूज्ड टू ट्रेवल फार ऑफ लैंड एज दे हैड गुड नेविगेशन स्किल्स। हाँ भाई बताओ क्या मतलब, किसका क्या आंसर है बताओ, 6 वाले का आंसर बताओ सारे के सारे। शाबाश। मैंने कितनी बार कहा है बेटा, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा होता हूँ बुक तो सब बच्चे मुझे एक्टिव चाहिए चैट पर, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही क्या भाई? एक दफा की इतना सोच हो के जवाब दे रहे हो तो, कि बस अरे मेरे बच्चों सेलर्स जो होते हैं इंजीनियर थोड़ी होते हैं, अल्लाह के बंदो सेलर्स अलग होते हैं इंजीनियर्स अलग होते हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग? इसका ए आंसर है, यही तो बोल रहे हैं कि जो सेलर्स है, सेलर्स मतलब होता है जो, हाँ बिल्कुल शिप डायरेक्टिंग, वो इसलिए क्योंकि मेरे बच्चों कि इंजीनियरिंग का मतलब तो होता है कि इंजीनियर, मतलब जो इंजीनियर कर रहा होता है, लेकिन जो शिप चला रहे होंगे उनके बारे में लिखा है कि वो दूर दूर तक चले जाते थे, तो इसका मतलब वो दूर दूर तक जाने के बावजूद अगर गुम नहीं होते थे। समंदर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर आप आगे निकल जाओ तो आपको जमीन नजर ही नहीं आएगी, आपको चारों डायरेक्शन में हर जगह समंदर ही समंदर नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। तो उनके नेविगेशन स्किल्स से उनको पता था कि उन्होंने ट्रेवल कहाँ करना है, तभी तो इतनी दूर तक जाते थे। समझे? क्लियर है मेरे बच्चों? अब जरा नेक्स्ट पर आ जाओ। फॉर सेंचुरीज द मेन मीडियम ऑफ ट्रांसफर फॉर इंफॉर्मेशन वॉज ओरल ट्रेडिशंस। बेटा ये तो कम से कम मुझे सही बता देना, मैं पहले बता रहा हूं अच्छी बात नहीं होगी। बताओ सारे बच्चे आंसर तो, इसका 7 वाले का आंसर क्या है बताओ। सिर्फ 3 बच्चों ने मुझे आंसर दिया है, बाकी क्या कर रहे हो भाई? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों ने एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करी हुई? शायद क्लास में बच्चे बैठे हुए हो तो क्या मतलब आंसर सॉल्व नहीं किया क्या? अरे भाई हद हो गई बेटा। कह रहे हैं कि एक अरसा दराज से, सदियों से इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर करने का जरिया था वो क्या था? वो था बेटा वर्ड ऑफ माउथ, मतलब के मुंह जुबानी, के जबानी जो एक दूसरे को
किया करते थे वो, मतलब किस तरह करते थे भाई, जबानी किया करते थे, पासिंग इंफॉर्मेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ। सदियों से ये अरसा चला है, घोड़ों से थोड़ी चला है अल्लाह के बंदों, घोड़ों से इंफॉर्मेशन किस तरह ट्रांसफर करते, अजीब हरकतें कर रहे हो तुम लोग। बच्चों ने ए भी लिखा हुआ है, बी आंसर है भाई इसका। नेक्स्ट पर आओ, माई ब्रदर इज अ रेस्टलेस पर्सन, ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू थिंग्स टू डू। ये तो आसान, बहुत आसान है, बताओ क्या एट वाले का आंसर। शाबाश आनिया, शाबाश साहब या बेटा, शाबाश, गुड। देखो भाई, जो बच्चे जरा नहीं समझे इस बात को, देखो क्या लिखा हुआ है, माई माई ब्रदर इज अ रेस्टलेस, बेचैन, बेचैन मतलब होता है इसका, ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू थिंग्स टू डू। बेटा अगर वो नई चीजें देख रहा है बार बार तो जीनियस थोड़ी आएगा, डिफरेंट थोड़ी आएगा, चेंज सीकिंग। देखो ना क्या लिखा हुआ है, न्यू थिंग्स के वो तलाश में रहता है कि कोई नई चीज करें, कोई नई चीज करें, तो इसका क्या आएगा, चेंज सीकिंग, सी आएगा इसका मतलब। ठीक है, नेक्स्ट पर आओ, ट्रूली ग्रेट पर्सन डिजर्व रेवरेंस एज दे प्ले अ पॉजिटिव रोल इन आवर लाइव्स। बताओ भाई, बेटा नाइन का ऑप्शन है सी हमारे पास, नाइन का क्या ऑप्शन है, बताओ कैमरा ही बंद था माशाल्लाह से। नाइन का ऑप्शन है क्या हमारे पास, सी है। ठीक है बेटा, डिजर्व, देखो एक बात बताओ, लीडरशिप पोजीशंस, एक बात बताओ, खुश, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, जरा मैं समझा रहा हूँ कि बी ऑप्शन क्यों नहीं है, रुक जाओ जरा, रुक जाओ मेरे बच्चों, क्या लिखा हुआ है, ट्रूली ग्रेट पर्सन, अच्छे लोग, अच्छे लोग जरूरी थोड़ी है कि अच्छे लीडर भी हों। मेरे बच्चों सुनो जरा, समझो मेरी बात को, जरूरी नहीं है कि अच्छा इंसान अच्छा लीडर भी हो, ये लाजमी नहीं है, ठीक है, लेकिन अच्छे इंसानों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके मोहब्बत करनी चाहिए, समझे, जरूरी नहीं है कि अच्छे लोग अच्छे लीडर भी हों, ये बात समझो, ठीक है ना। क्या पता कोई इतना अच्छा शख्स ना हो लेकिन एक लीडर बहुत अच्छा हो, ये भी तो पॉसिबल है, लिहाजा नाइन का आंसर है सी, सी लगाओ इसका आंसर। नेक्स्ट वाले पर आओ, इस्लाम्स मैसेज ऑफ पीस इज यूनिवर्सल, एज विदाउट इट देयर कैन बी नो हैप्पीनेस। ये तो बहुत आसान है मेरे बच्चों, बताओ इसका आंसर क्या है। शाबाश, टेन वाले का आंसर है बी हमारे पास। अब जरा नेक्स्ट बेटा, 10 वाले का बी आंसर है, अब जरा सारे के सारे आ जाओ, क्योंकि मतलब कि हर जगह पे लागू किया जा सकता है, जरा नेक्स्ट पर आओ सारे बच्चे। एक्सरसाइज 3, मैं देखता हूँ जरा क्या करते हो, द डैश ऑफ शाह लतीफ सेलिब्रेट हिज उर्स एवरी ईयर, लिखते रहो फटाफट जरा, शाबाश बेटा, हम लोगों ने नेक्स्ट एक्सरसाइज भी करवानी है, मुझे जल्दी जल्दी आंसर चाहिए इसके। जरा अच्छा, 3 हो गए थे, कितने हो गए थे हमारे पास, 3 हो गए थे क्या, स्टार्टिंग के 3 कर ली थे मेरे बच्चों के हम लोगों ने, स्टार्टिंग के कितने मैंने करवाए थे मेरे बच्चों, बताओ जरा मुझको, 3 करवाए थे, 4 करवाए थे, 3 करवाए थे, जरा चौथे पे आ जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब जरा यहाँ पर आओ, 4 वाला, मच ऑफ व्हाट वी नो अबाउट आवर कल्चर हैज बीन पास्ड ऑन टू अस थ्रू व्हाट, हमें जो बहुत कुछ अपने कल्चर के बारे में पता है, शाबाश दहाबी बेटा शाबाश, जो कुछ भी हमें अपने कल्चर के बारे में पता है आज, वो किस तरह से अब तक पहुंचा है, बताओ, रवाहा शाबाश बेटा गुड, बताओ भाई 4 वाले का आंसर क्या है, सारे बच्चे आंसर तो मुझे बेचा इस बात की, क्या आंसर है 4 वाले का, बताओ बेटा, 4 वाले का आंसर बता दो सारे के सारे, क्या आंसर है 4 वाले का, नहीं भाई क्या हो गया, आते गलत, नहीं उजैर, इनकम्प्लीट आंसर बेटा, इनकम्प्लीट आंसर, गलत,
गलत सायमा, गलत बेटा। इसका आंसर है ओरल ट्रेडिशंस। पूरा आंसर क्या आएगा? थ्रू ओरल ट्रेडिशंस, ओरल ट्रेडिशंस इसका आंसर है बेटा। साइमा आपने तो आंसर किया कमेंसिस का, आप बोल रहे हो मैंने ये लिखा, क्या कर रहे हो मेरा बच्चा। अच्छा जरा फाइव वाले पर आओ। वी मे हैव डिफरेंट डैश बट वी आर ऑल ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ आदम। रवाहा सही आंसर, जहाबिया ठीक आंसर, हानिया कहाँ गायब हो गई भाई? जवाब दो बेटा, कहाँ गायब हो मेरा बच्चा? जहाबिया का ठीक आंसर, रवाहा का, आतिफ का गलत आंसर, हानिया का आंसर है सर यही हूँ। नहीं बेटा ये भी आंसर गलत है आपका, ये आंसर थोड़ी यहाँ पर थोड़ी आएगा सर यही हूँ, ये आंसर गलत है। रमशा रेस्टलेस, नहीं बेटा ये भी गलत आंसर है। बाकी बच्चे आंसर दे दो मुझको। नहीं बेटा यहां पर आएगा हमारे पास एंसेस्ट्रल रूट्स। क्या आएगा? एंसेस्ट्रल रूट्स। मैंने कहा था पिछली एक्सरसाइज से देखकर करना बेटा, मैंने इन्फॉर्म भी किया था तुम लोगों को अच्छी तरह से। अब देखते हैं क्या करते हो। सिक्स, फास्टिंग डैश ऑन द फर्स्ट डे ऑफ रमजान। बताओ, फास्टिंग डैश ऑन द फर्स्ट डे ऑफ रमजान। जहाबिया बेटा ठीक आंसर है आपका, हानिया ठीक आंसर बेटा आपका भी। बेटा आतिफ कहाँ से देख के लगा रहे हो? ये वाला तो ऑप्शन ही नहीं कहीं पर जो तुम लगा रहे हो। कौन से कर रहे हो बेटा, किस तरह कर रहे हो सॉल्व? ये मुझे समझ से बाहर हो रहा तुम्हारे आंसर्स। जहाबिया का ठीक आंसर, हानिया का ठीक आंसर, सायमा का ठीक आंसर है। इसका आंसर है कमेंसेस। एट पर आओ। नेल्सन मंडेला वॉन हिज पीपल्स डैश फॉर हिज लॉन्ग स्ट्रगल फॉर द राइट्स ऑफ पीपल इन साउथ एशिया। आसान है बहुत ये, बताओ क्या आएगा इसमें? सेवन, अच्छा, माई मिस्टेक माई मिस्टेक, सेवन वाला, सेवन वाला। एक मिनट रुक जाओ, बता रहा हूँ बता रहा हूँ। अरे अच्छा, रुक जाओ भाई रुक जाओ, सारे जज्बाती हो गए, इंसान हूँ भाई, मिस्टेक हो जाती है अल्लाह के बंदो, रुक जाओ। पाकिस्तान हैज एवरीथिंग इन डैश बट वी नीड स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज टू मेक गुड यूज ऑफ एवरीथिंग दैट वी हैव। क्या है भाई बताओ? ओके, जहाविया ठीक आंसर, हानिया ठीक आंसर, रवाहा बेटा ठीक आंसर है, शाबाश। बाकी बच्चे क्या कर रहे हो बेटा? क्या हाँ, मूंगफली खा रहे हो क्या सारे के सारे दोनों हाथों से? जवाब दो जो पूछ रहा हूं। मैंने कितनी बार कहा है जब चैट पे कहता हूं सबको छोड़ छाड़ के बैठ जाया करो, चैट पे आंसर दिया करो मुझको। आते गलत। रिमशा बेटा कौन से वाले का आंसर दे रहे हो मेरा बच्चा? रिमशा आप जो आंसर दे रहे हो बेटा वो किस वाले का आंसर दे रहे हो? नहीं बेटा सेवन वाले में नहीं आएगा ये। गलत उजैर, गलत आतिफ। बेटा कहाँ से लगा रहे हो बेटा, कौन सी चीज कर रहे हो, मेरी समझ से बाहर हो रहा है आपके आंसर्स। एट है, नेल्सन मंडेला वॉन हिज पीपल्स डैश फॉर हिज लॉन्ग स्ट्रगल फॉर द राइट्स ऑफ पीपल। के नेल्सन मंडेला ने अपने लोगों की डैश मतलब हासिल करी, जीत ली, जो उन्होंने मेहनत करी थी लोगों के हकूक के लिए साउथ एशिया में। हाँ बेटा आतिफ, सेवन का आंसर गलत बताया आपने। जो आपने बताया है बेटा वो यानी कौन से आले का बता रहे हो? जहाविया ने ठीक बताया एट का आंसर। हाँ भाई एट का आंसर क्या लिखा तुम लोगों ने? शाबाश, सिर्फ एक बच्चे ने आंसर, आज एक बच्ची का आंसर आया है। हानिया रवाहा कहाँ गए भाई? बताओ क्या आंसर है इसका? एट वाले का आंसर बताओ। रिमशा बेटा ठीक आंसर है आपका भी, शाबाश। जी बेटा हानिया, लेकिन रेवरेंस की स्पेलिंग ठीक कर लो।
आर ई एन सी ई होगा, आर ई एन सी ई, ठीक है। अब लास्ट वाले पर आ जाओ, द पाकिस्तान नेवी हैज वेरी गुड, ये तो आसान है, शाबाश रवा बेटा, शाबाश बिल्कुल। बेटा नाइन वाला हानिया मैंने लास्ट क्लास में करवा दिया था, आप नहीं आए थे क्या? आपने क्या बेटा लास्ट क्लास नहीं ली? तो मेरा बच्चा आपने रिकॉर्डेड लेक्चर तो आपको देखना चाहिए था ना मेरा बच्चा, मैंने लास्ट क्लास में पूरा काम बताया था कि काम किस तरह करना है, आपने रिकॉर्डेड लेक्चर भी नहीं देखा मेरा बच्चा, ये गलत किया ना बेटा, अगर आपने रिकॉर्डेड भी नहीं देखा तो। यहां पर आएगा नेविगेशन, उजैर बेटा यहां पर नेविगेशन आएगा, क्या कर रहे हो, नेविगेशन नेविगेशन। चलो नेक्स्ट वाले पर आओ बेटा, क्या हम लोगों ने बेटा एक्सरसाइज 4 पूरी सॉल्व करवा दी थी आप लोगों को बेटा बच्चों? क्या हमने एक्सरसाइज 4 बेटा पूरी सॉल्व करवा दी थी आप लोगों को? ठीक है, अब जरा एक्सरसाइज 5 पर आ जाओ, जरा एक्सरसाइज 5 का 1 वाला बताओ क्या आंसर है। थिंग्स डन एट द टाइम ऑफ अर्थ एज मेंशन इन द टेक्स्ट, बताओ क्या आंसर है इसका? एक्सरसाइज 5 के 1 का आंसर क्या है? बताओ बताओ 1 का आंसर क्या है एक्सरसाइज 5 के? एक्सरसाइज 5 के 1 का क्या आंसर है बेटा बताइए? अरे बता दो, 2 पॉइंट तो लिखने हैं भाई, क्या हो गया तुम लोगों को इतनी देर लगा रहे हो? एक काम करते हैं, चलो ओके जहाबिया हानिया, एक काम करते हैं, जिन बच्चों ने बेटा पूरी पूरी एक्सरसाइज यारी सॉल्व कर ली है 5 वाली, वो सारे बच्चे दरअसल हैंड रेस कर लो, जिसको एक्सरसाइज 5 के आंसर पता हैं सारे हैंड रेस कर लो बेटा, मैं वन बाय वन तरह पूछता रहूंगा। ओके जहाबिया को बताएं, हाँ भाई रवाहा पूरी सॉल्व नहीं करी बेटा क्या? रवाहा बेटा तुमने पूरी सॉल्व, सिर्फ एक बच्ची ने हैंड रेस किया है, बाकी बच्चे क्या कर रहे थे बेटा क्लास में? रवाहा बेटा क्यों सॉल्व नहीं करी आपने? रवाहा बेटा क्यों सॉल्व नहीं करी आपने? माशाल्लाह, एक हफ्ते से गए हुए थे, ये पिछले हमारे हफ्ते की बात है, हफ्ते को मैंने दी थी वाली एक्सरसाइज। हद कर रहे हो बेटा, इस तरह थोड़ी चलेगा। चलो खैर देखते हैं, लेट्स सी जहाबिया ने क्या आंसर बताया। जहाबिया बेटा बच्चा जरा माइक पर आओ बेटा, आप माइक पर आओ बेटा, आप जी सर बोलो। बेटा बताओ वन वन वाले का आंसर क्या लिखा जरा बताओ मुझको। थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर एंड लिसन टू द सेंट्स सॉन्ग संग ऑन द तंबूरो, मेनी लर्न मैन रीड पेपर्स दैट टेल अस अबाउट लतीफ्स लाइफ एंड हिज पोएट्री। शाबाश बिल्कुल, कि बेटा ये दो चीजें। अरे मेरा बच्चा जहाबिया माइक पर ही रो, मैं आपसे सारे आंसर पूछूंगा, ठीक है माइक पर ही रो मेरा बच्चा। आप बेटा ये दो चीजें थी, ऑब्वियसली बात है, अगर आप मतलब कि अगर आप लोगों ने किया होता तो आप लोगों का आइडिया होता, या आप लोग काम करके लाए हो तो, बट लेट्स सी कि क्या करते हैं भाई, बहुत सारे लोग मतलब कि जमा होते हैं और मतलब के तंबूरों पे सॉन्ग गाते हैं, ये है, और सेकंड क्या था कि उनकी लाइफ और पोइट्री के बारे में पढ़ते हैं, बट लेट्स सी क्या लिखता है। टू पॉसिबल रीजंस व्हाई हिज एंसेस्टर माइग्रेटेड टू सिंध, आगे बताओ बेटा क्या क्या दो हमारे पास रीजन बताए हुए हैं कि शायद जिसकी वजह से सिंध माइग्रेट किया था शाह अब्दुल लतीफ के आबाओ अजदाद ने। They migrated to Sindh in order to gain a spiritual contact with a local pious man named Bilawal, ठीक है and also Sindh was the center of Muslim culture at that time. शाबाश, ठीक है बेटा ये दो वजूहत थी जो लिखा हुआ है कि भाई एक तो ये रीजन था कि उस वक्त जो एक पायस मैन था, जो नेक बुजुर्ग शख्स था बिलावल, उससे मतलब के मिलने के लिए वो यहाँ पर आए थे, एक ही रीजन ये था, और सेकंड रीजन ये था कि उस वक्त जो सिंध था वो मुस्लिम कल्चर का बोलते ना गढ़ होना किसी चीज की मेन जगह थी, वो ये था। आगे देखते हैं, टू अदर लैंग्वेजेस दैट ही न्यू क्वाइट वेल, कौन कौन सी थी बेटा बताओ, जबाने कौन कौन सी दो थी? He knew Arabic and Persian quite well after Sindhi.
ओके, मतलब कि बता, आप दो पॉइंट लिख दो कि अरेबिक एंड पर्शियन ये दो जबानें थी, सब कुछ चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, डिटेल में पढ़ाया था, पहले बोल रहा हूँ मैं। अच्छा भाई, टू मेन रिलीजियस स्कॉलर सोर्सेज दैट ही हैड नॉलेज अबाउट, बताओ भाई साहब कौन कौन से थी ये? He had in depth knowledge of Holy Quran and Hadith. शाबाश, ठीक है कि ये दो हमारे पास चीजें थी कि होली कुरान एंड अहदीस, इनकी दो रिसोर्सेज की मतलब कि इनको इन डेप्थ नॉलेज थी। शाबाश। टू पोएट्स हुज वर्क्स वर अ पार्ट ऑफ हिज कलेक्शन, बताओ बेटा इसके कौन कौन से थे जिसके कलेक्शन का पार्ट थे? His poetic collection included the Masnavi of Maulana Jalaluddin and Shah Karim's poems. शाबाश, ये आपको बेटा नंबर 3 वाले में मिलेगा इसमें, और ये मैंने कहा था कॉपी में काम करना ये वाला, ठीक है? अच्छा कि ये हमारे पास बेटा, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो ये वाला काम, तो ये खैर तुम लोगों ने ध्यान दिया होता तो तुम लोगों को समझ में आ रहा होता ना, लेकिन अगर अंधों की तरह करोगे तो कैसे समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखो हमारे पास ये लिखा हुआ था कि हिज पोएट्रिक कलेक्शन इंक्लूडेड मसनवी ऑफ मौलाना जलालुद्दीन रूमी एंड शाह करीम, ये दो लोग थे जिनके मतलब इनमें इनका जो काम था वो जिक्र किया गया था। बट लेट्स सी, हम देखते हैं कि आगे क्या लिखा है बेटा हमारे पास। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आ गए, हाँ, टू स्किल्स फॉर विच ही इज नोन, बताओ बेटा क्या क्या थे? हाँ He was a musician and played melodious tunes on tamburo, which was also invented by him. Secondly, he was a poet. He composed verses that were in common man language. ठीक है, अगर आप चाहो के तो इसको जहाँ भी बेटा आप भी सुन लो, बाकी सारे भी सुन लो, सिंपल दो लिख जी. सकते हो कि दो स्किल्स क्या थे कि ही वॉज अ पोएट एंड ऑल्सो ही वॉज ऑल्सो अ म्यूजिशियन, बस ये दो लिख सकते हो। इतना आपने जो लिखा मेरा बच्चा बहुत अच्छा आंसर लिखा है, लेकिन मैं सिंपल जो बेसिक आंसर है वो बता रहा हूँ कि दो स्किल्स क्या थे कि ही वॉज अ म्यूजिशियन एंड ही वॉज अ पोएट, ये दो स्किल्स थे, ठीक है? बाकी सेंट बुजुर्गी तो उनकी अलग चीज थी ना, वो एक अलग बात है, उस बारे में जिक्र नहीं कर रहे हम लोग। अच्छा भाई, टू प्लेसेस इन अफगानिस्तान मेंशन इन हिज पोएट्री, बताओ। काबुल एंड कंदाहर मेंशन इन हिज पोएट्री. बिल्कुल, शाबाश। और अगर इंडिया की बात की जाए नंबर 8 पे, तो वो कौन कौन सी जगह थी बताओ? दिल्ली एंड दक्कन. अच्छा, अब ये हमको पॉइंट मिला कहाँ से? पॉइंट नंबर 7 में मेरे बच्चों, अगर आप चेक करो, ये देख रहे हो इसमें लिखा हुआ है, ये देख रहे हो यहाँ लिखा है मेरे भाई के, अच्छा, काबुल एंड कंधर और उसके बाद दिल्ली और डेक्कन, ये देख रहे हो, ये मतलब के उधर की जगह है और ये हमारे पास इंडिया की जगह है। तो तुम लोगों ने अगर पढ़ा हो तब पता होना इस बात का। आजिया रवाहा मेरा बच्चा, हाँ आपका आंसर ठीक है, लेकिन बेटा आपने, यकीन करो मुझे एक्सपेक्टेड था कि बेटा आप कर लोगे, लेकिन आपने पूरे हफ्ते के बाद भी नहीं किया बेटा, बड़ी गलत बात है, ये करना चाहिए था ना मेरा बच्चा, आपने आपने क्यों नहीं किया? चलो खैर, जहाबिया बेटा बताओ और कौन कौन सी दो जबानें हैं जिसमें कम से कम उनको ट्रांसलेट लाजमी किया गया है, कौन कौन सी बेटा है रिसालों को? इंग्लिश एंड उर्दू. इंग्लिश एंड उर्दू. शाबाश मेरा बच्चा, गुड, जबरदस्त, शाबाश। अच्छा भाई, हमारे पास अगर, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा हमने लोअर कर दिया। अब देखो हमारे पास इंग्लिश एंड उर्दू, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक्सरसाइज 5 सॉल्व कर ली। अब यहाँ पर और देखो बेटा, मैं एक्सरसाइज 6 जो है बेटा आप लोगों को यहाँ पर से बता रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को आइडिया हो और आप मुझे इसका आंसर डायरेक्ट दो, ठीक है? मैं, और क्योंकि चैप्टर पढ़ा हुआ है, आंसर दे सकते हो इस बात का, जो आंसर देना चाहे दे सकता है। हाउ वॉज इंफॉर्मेशन अबाउट शाह लतीफ पोइट्री कलेक्टेड, हाउ वॉज इट कलेक्टेड इन दिस मैनर, कि शाह अब्दुल लतीफ के बारे में जो पोइट्री थी वो किस तरह कलेक्ट की गई है और इस तरीके से कलेक्ट क्यों की गई थी? हाँ भाई बताओ, मैं आपसे ओरली जवाब पूछ रहा हूँ, बताओ। या अगर किसी को जवाब देना हो तो बेशक वो पॉइंट से बता सकता है कि सर इस पॉइंट में ये वाला आंसर मौजूद है, बताओ 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 बेटा, जिस किसी को आंसर बताए बताओ। ठीक है भाई जहाबिया, शाबाश। अरे भाई बाकी भी आ जाओ, बाकियों ने काम नहीं किया क्या? हाँ सर बताऊं? बेटा बताओ। सर पेज नंबर 25 पे फर्स्ट पैराग्राफ की फोर्थ लाइन से स्टार्ट है. 1 मिनट रुको, फर्स्ट पेज नंबर कौन सा बताओ बेटा? पेज 25 25, जी. 1 मिनट रुको। अरे मेरा बच्चा, 25 वाला तो नहीं बोल रहे ना? सर मेरी बुक का पेज अच्छा नंबर अच्छा है ये. अच्छा 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 1 मिनट रुक जाओ। 27, हाँ ठीक है, 24 बताओ कौन सा बेटा, कहाँ पर? 24, 25 कौन सा? 25 हाँ 25 के फर्स्ट पैराग्राफ की फोर्थ लाइन. फर्स्ट पैराग्राफ की फोर्थ लाइन, एक दो, हाँ भाई कौन से बताओ? आ अरिनाउम से जी. पढ़ो।
पढ़ो 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 बेटा। A renowned Pakistani scholar, educationist, and a writer of plays, dramas, and stories, Mirza Khalij Beg is said to have collected details about the early life of Shah Bedai from some of the old people living at that time. These people had heard these facts from their fathers and grandfathers, some of whom had seen Shah Latif in person and had even spoken to him. जाबे मेरा बच्चा, लेकिन यहाँ से करना पड़ेगा। Information. Information about the life of Bhittai has mostly been collected from oral traditions. क्योंकि बेटा हमसे ये पूछा गया है कि किस तरह से information collect की गई थी, तो मेरा बच्चा ये point लाजमी आएगा। Clear है मेरा बच्चा? बाकी आपने सही लिखा है, आपने सही जज किया है, लेकिन मेरा बच्चा ये लाजमी आएगा। ठीक है, Clear है मेरा बच्चा? Okay. अब देखते हैं बेटा कि हमारे पास जाहिर है, second question पढ़ो बेटा, क्या है हमारे पास second question, जरा पढ़ो। Second question है, why is Shah Latif called the saint of Bhitt? अब बताओ भाई, अब जरा देखते हैं, मैं जरा सबको म्यूट कर दूं एक मर्तबा। हाँ भाई बताओ, जिस किसी को आंसर पता है वो हैंड रेस कर लो अपना, जिस किसी को इसका आंसर पता है वो अपना हैंड रेस कर सकता है। ठीक है, हाँ बेटा माइक, हाँ बताओ, हाँ नहीं, माइक पर आओ बेटा। सर पेज 25 का जो सेकंड पैरा वो है, द नेम ऑफ बिठाई, उसमें लिखा हुआ है इसका आंसर, अमाउंट ऑफ सैंड इज कॉल्ड भेट इन सिंधी ड्यू टू द फैक्ट दैट ही लिव्ड ऑन दिस माउंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, शाह लतीफ केम टू बी नोन एज द सेंट ऑफ भेट। शाबाश, गुड 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 बेटा, शाबाश। अच्छा लेकिन देखो हानिया बेटा, आपने एक एक काम करना, ये भी करना होगा, सेंट ऑफ द भेट या फिर टू दिस डे या केम टू बी नोन, क्योंकि बेटा हम लोग दरअसल भिटाई की बात कर रहे हैं ना मेरा बच्चा, तो आपने क्या करना है, इसको यूं कर देना, टू बी नोन एज द एज शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, यहाँ तक करना, सही है, क्योंकि हमने भिटाई का वर्ड यूज करना है बेटा, कि भिटाई के नाम से जाने जाते हैं। ओके भाई, शाबाश, ठीक है। अच्छा फिर मैं ये नीचे करता हूँ जरा, अब जरा आते हैं हम अपने, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब जरा हमारे पास 10 मिनट रह गए, मैं कह रहा था कि मैं और भी क्वेश्चन करवा लूंगा, लेकिन शायद पॉसिबल नहीं हुआ। माशाल्लाह तुम लोग इतनी जल्दी जल्दी तुम लोग सारे काम करके लेके आ, तो बेहतरीन, चलो खैर कोई बात नहीं। हाँ भाई, सी व्हाई डिड शाह लतीफ नॉट मैरी अगेन आफ्टर हिज वाइफ डाइड, ये आसान है, बताओ कौन से वाले पैराग्राफ में है, मुझे आंसर दे दो। ठीक है, यूथ में आंसर है, मैं समझा देता हूँ बेटा इसका आंसर क्या है, जरा देख लो, जो फोर्थ पॉइंट है बेटा उसमें इसका आंसर है, मैं आपको समझा रहा हूँ जरा, सारे के सारे देख लो। ठीक है, हमारे पास फोर आंसर कहाँ गया, अरे ये रहा, एक तो पेज भी तो इतने जल्दी जल्दी जा रहे होते हैं, ये रहा, देखो क्या लिखा हुआ है, क्या हुआ है, हिज वाइफ डाइड एट एन अर्ली एज बिफोर शी कुड हैव एनी चिल्ड्रन, देखो शाह नेवर मैरिड अगेन, हिज हार्ट टर्न्ड मोर एंड मोर टुवर्ड्स रिलीजन एंड डिवोशन एंड ही फेल्ट रेस्टलेस, ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू लिव अ नॉर्मल डोमेस्टिक लाइफ, खत्म बात। ठीक है ना, दैट्स इट, इस तरह करना है, बिल्कुल वो मस्त सही है कि यहाँ से शुरुआत हुई थी, लेकिन ऐसे है कि उन्होंने दोबारा शादी क्यों नहीं करी थी, तो उसका रीजन क्या था कि उनको सिर्फ और सिर्फ सुकून किससे मिलता था, इबादत करके, सिर्फ इबादत में उनको सुकून मिलता था, इसके अलावा उनको किसी और चीज़ में सुकून नहीं मिलता था। ओके अब जरा नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा है आंसर, लेट्स सी, अरे कहाँ चला गया भाई, कहाँ निकल गए हम, हाँ ये है कि व्हाई डज शाह लतीफ पोएट्री टेल अस अबाउट हिज नॉलेज एंड स्किल्स, हाँ बताओ भाई, सॉरी व्हाई डिड पीपल बिकम शाह लतीफ फॉलोअर्स, बताओ। हमारे किस तरह बने बेटा, हम जिसके बारे में पढ़ते हैं, हमारे पास कुछ इस तरह से बने थे कि हमारे पास पेज नंबर जो पॉइंट नंबर 5 है, बिल्कुल बच्चों ने सही आंसर दिया है, वो ये कि यहाँ से करोगे, शाह लतीफ्स स्पिरिचुअल पावर ग्रीव स्ट्रॉन्गर विद प्रेयर्स एंड हिज, की जगह क्या लिखोगे, शाह लतीफ लिखोगे, शाह लतीफ्स अपोस्ट्रोफी एस spiritual power grew stronger with prayers and devotion so much that people began to be attracted towards him. Anyone who came to him was strongly impressed by his ways and his followers increased day by day. Simple as that. ठीक है? जी बेटा, आपने his को हटाकर यहाँ से ये यारा, ठीक है? His को हटा के आप लिखोगे Shah Latif's apostrophe s Shah Latif's, ठीक है ना? इसको ये लिखना है। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट्स सी,
नेक्स्ट है, व्हाट डज शाह लतीफ पोएट्री एंड व्हाट टेल अस अबाउट हिज नॉलेज एंड स्किल्स? बताओ भाई, शाह लतीफ की पोएट्री से हमें क्या पता चलता है कि उनकी नॉलेज और उनके स्किल के बारे में क्या पता चलता है, बताओ। अच्छा, 0.7 में लिखा हुआ, जरा देखते हैं भाई क्या लिखा हमारे पास, लेट्स सी। बताओ भाई, ठीक है 7 पर आ गए, कहां से करना है बताओ, 7 पर आ गए। मेरे बच्चों वो तो सही है कि 7 में लिखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा लिखेंगे क्या ये तो बताओ ना। दरअसल एक बात सुनो, ये जरा बेटा इसमें मिक्सअप होके आंसर आएगा, जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो मेरे मेरे बच्चों क्वेश्चन को समझो, फिर मैं आपको जरा दोबारा से आता हूँ, ठीक है। लिखा हुआ है कि वॉट डज शाह लतीफ पोएट्री एंड वर्क टेल हस अबाउट हिज नॉलेज एंड स्किल्स, कि शाह लतीफ की पोएट्री से हमें उनके काम के बारे में, ठीक है, और उनकी नॉलेज के बारे में हमें क्या पता चलता है, ठीक है ना। वो एक तो देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वो ये पहले जो स्किल्स है, पहले हम स्किल्स की बात करेंगे, बाद में उनकी नॉलेज के बारे में बात करेंगे। तो मेरे बच्चों जरा जहाविया बेटा आप भी जरा ध्यान से देख लो, क्योंकि आप जरा आंसर दे रहे हो लेकिन आप एक चीज मिस कर रहे हो। देखो आप क्या लिखोगे कि शाह लतीफ ही नहीं आएगा, शाह लतीफ वॉज द पोएट ऑफ द पीपल, सो ही रोड इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन। इसके आगे लिखोगे, इसके आगे एक ये सेंटेंस लिख सकते हो, कॉमन मैन एंड एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड एंड एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड इट इजीली, क्योंकि आम जबान में, आम कॉमन लैंग्वेज लोगों की जबान में लिखते हैं तो हर कोई आराम से समझ सकता है, ठीक है। अच्छा आगे हमारे पास मेरे बच्चों इसने आपने एक और पॉइंट लिखना है, वो क्या कि पॉइंट नंबर, बेटा आप इस पे आ जाओ, पॉइंट नंबर 3 पर आओ जरा, ठीक है, लिखो जरा, फिर लिखो यहां से, देख रहे हो पॉइंट नंबर 4 के यहां पर, ये देखो द रिसालोनी, आप लिखोगे कि हिज वर्क, आप ये लिखोगे द रिसालो की जगह क्या लिखोगे मेरे बच्चों, जब नेक्स्ट सेंटेंस लिखोगे क्या लिखोगे आप बताओ, द रिसालो की जगह पे क्या लिखना है बताओ भाई, मैंने क्या बताया द रिसालो की जगह पर क्या लिखना है, ये दो से कंबाइन होकर आएगा मेरे बच्चों। हमने स्किल्स की भी बात करनी है और नॉलेज की बात भी करनी है। स्किल्स का मेरे बच्चों हमने जिक्र कर दिया प्रीवियस में कि ही वो था क्या थे स्किल्स के बारे में, अरे मेरा बच्चा उजैर, हाँ बिल्कुल, रुक तो जा मेरी बात तो कंप्लीट होने दे बेटा, ठीक है, कि हमने आपको मेरे बच्चों ये बताया कि किस तरह से हमने पहले आपसे जिक्र किया उनके स्किल्स के बारे में, अब जा रहे हैं नॉलेज के बारे में, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों नॉलेज के बारे में क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर, हिज यानी कि दरिसालों की जगह आएगा हिज वर्क। अरे सारे बता दो क्या आएगा, बता दो या टिक मार्क कर लो, मस्ता नहीं है यहाँ पर, सारे बच्चों से पूछ रहा हूँ क्या आएगा यहाँ पर हिज वर्क, दरिसालों की जगह क्या यूज करना है हम लोगों ने, सब बच्चे बताओ जरा मुझको, अरे सब बता दो, 3.5 मिनट रह गए, मैंने आखिरी की एक दो क्वेश्चन कवर करने, जल्दी बताओ मुझको, यहाँ ये भी कर लो, मस्ता नहीं है, मुस्ता नहीं है। देखो क्या हुआ, प्रोवाइड्स प्रूफ दैट ही न्यू अरेबिक एंड पर्शियन क्वाइट वेल, वेरियस रेफरेंसेस इन द शाह जो रिसालो इंडिकेट दैट ही हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ कुरान, होली कुरान एंड हदीस, यहाँ तक आएगा, हदीस तक आएगा। इसका मतलब हमने इनकी नॉलेज के बारे में क्या बताया कि उनको भाई, मतलब कि हमें उनकी नॉलेज से क्या पता चलता है कि उनको अरेबिक और पर्शियन का भी पता था, इसके साथ साथ उनकी नॉलेज थी किस चीज की, होली कुरान और अहादीस की। मेरे बच्चों क्या ये वाले क्वेश्चन को समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या है, अगर क्लियर है मेरे बच्चों तो लिख के भेजो सर क्लियर, मैं आगे आ रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताओ मुझको अगर समझ में आ गया है कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर किस तरह करना था, क्योंकि आप लोगों ने जो मुझे बताया ना वो सिर्फ स्किल्स थे बेटा, आप लोगों ने नॉलेज का जिक्र नहीं किया था, आप लोगों ने सिर्फ स्किल्स का बताया था, हम लोगों ने उनकी नॉलेज का भी जिक्र करना था मेरे बच्चों, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है, चलो गुड है, क्लियर आ गया, आप लोगों ने यहां तक कर लिया। अब आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, या बल्कि मैं एक बच्चे को जरा माइक के बुला लेता हूँ, बल्कि जहाविया बेटा जरा माइक करो बेटा, जहाविया बेटा हैंड रेज करो, मैं बार बार जरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो टाइम जरा उसी में जाया हो रहा है बेटा, हाँ बेटा बेटा बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, पढ़ो जी सर, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, नेम द प्लेसेस इन द टेक्स्ट मेंशनड इन शाह लतीफ पोएट्री, व्हाई डू यू थिंक दीस प्लेसेस हैव बीन मेंशनड बाय हिम।
अच्छा इसके तो खैर आप ये लिख दो कि इसमें कोई इतना डिटेल में आने की जरूरत नहीं है, आप बोल दो बता कि भाई कि उन्होंने क्या किन किन जगहों के नाम मेंशन की, ये लिखा हुआ है इन इस फॉर्म ही नेबरिंग रीजन्स। अगर आप पॉइंट नंबर 7 पर आओगे ना तो ये देखो इन इस फॉर्म्स, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक आ सकते हो, यहाँ तक इन इस फॉर्म्स ही राइट्स मेनली अबाउट सेन एंड इट्स नेबरिंग रीजंस। हाउएवर ही आल्सो मेंशंस डिस्टेंट सिटीज एज इस्तांबुल एंड समरकंद एंड आल्सो टॉक्स अबाउट सिंधी सेलर्स समुंदी एंड देयर नेविगेशन टेक्निक्स एंड देयर वॉयजेस एज फार एज मालाबार कोस्ट श्रीलंका एंड द आइलैंड ऑफ जावा। दैट्स इट, आप कर लो कि इसमें कोई इतना डिटेल में आने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बताओ बेटा क्या जहाबिया, जल्दी बताओ 1.5 मिनट रह गया हमारे पास। Why Shah Latif's key message in his verse is acceptable to everyone? ठीक है, अच्छा हमारे पास इसका आंसर आएगा ये देखो क्या थे लास्ट, बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन, लास्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन देखो हिज स्पिरिचुअल, अब हिज की जगह लिख देना शाह लतीफ अपोस्ट्रोफी एस, शाह लतीफ स्पिरिचुअल मिस्टिक पोएट्री कैरीज द मैसेज ऑफ लव मिस व्हिच मेक्स इट यूनिवर्सल एंड एक्सेप्टेबल टू द एंटायर ह्यूमन रेस। ठीक है, ये देखो शाह लतीफ भिटाई इज एंड ऑलवेज विल बी रिमेम्बर्ड फॉर हिज ग्रेट पोएट्री एंड लव एंड रेवरेंस। यहां तक आंसर है बेटा। जाबिया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, जल्दी बताओ कुछ सेकंड्स रह गए हमारे पास। Can we put his message into practice in today's world? If yes, how? If no, why not? इसको छोड़ दो, इसको जरा हम जब फिजिकल क्लास होंगी तभी करेंगे। मेरे बच्चों अगर यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी बताओ, कुछ सेकंड रह गए कि ऑल क्लियर, जल्दी लिख के भेजो जरा सारे के सारे, हमने आशा काम कर लिया। सारे बच्चे जरा मुझे बताओ ऑल क्लियर, सब बच्चे मुझे फटाफट जरा आंसर लिख के भेजो सर ऑल क्लियर। जाबिया बेटा आपको भी समझ में आ गया, पक्का है? जी जी सर ओके तो मेरे बच्चों बेटा आज यहाँ पे रोकते हैं, कल इंशाल्लाह इसी चैप्टर की ग्रामर की एक्सरसाइज करेंगे, छुट्टी मत करना, सबके सब आना। ओके तो मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।